ये वाकिया आज से 3,500 साल पहले पेश आया था, जब फिरौन के मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मिसालें लगाकर इसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रख के महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समंदर में डूब के मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसे उसी तरह हनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीनो आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे। इनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता के फिरौन की हनूत शुदा लाशें भी जमीन की तहों में छुप गईं। इनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाकये के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में इस फिरौन का जिस्म महफूज करने की आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन था। लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और इसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोरनिया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्तों तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरिया नील के किनारे के करीब तबसिया के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था, जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो नवारदात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1891 ईस्वी को दूसरी ममियों के साथ इसी घर खोने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन ममियों को महीने कायरा ले गए। जब इन ममियों का तफसील से जायज़ा लिया गया तो फिरौन वाली ममी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहरीन, आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की नस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद इसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 ईस्वी में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। नेज जदीद साइंसी जराए से उसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चनाचा मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला अहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराई डॉक्टर मोरिस बुकाई ने की थी। माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज़ा का बारीकी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए हैरत की बात। उसने इस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ
इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज हैं। उसे इलम था कि जहां से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चनाचा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था, उसने इस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। इस साइंसदान ने कुरान पाक खोल कर उसे सूरह यूनस की आयत 90-92 का तर्जमा लफ्ज़ बा लफ्ज़ सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसके पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकाल कर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सब का इशारा एक जानिब था और वो वाजिया था, तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूँ। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने ला कर रख दी गई कि इंटरनेट की एक क्लिक पर रसायलो जराइद पर टीवी और चैनल्स और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने कुर्बा और पिचकी काबिल तर्स हालत में मौजूद है। इबरत के लिए सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राजिक है। डॉक्टर मोरिस ने आयात का तर्जमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, कुरान सच्चा है, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।